अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल 1963-64 को ब्रेक ना कर सकने पर गोल्ड तकरीबन 1952 के आसपास तक चला गया था। हमने भी यहाँ कल सेल में से 70 पिप बुक किए हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा से हमें गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी नज़र आई और तकरीबन 1966 के हाई बनाने के बाद फिलहाल गोल्ड जो है 1964 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है 1968 से 1950-52 की रेंज में लास्ट टू डेज से ट्रेड कर रहा है। गोल्ड वेटिंग मूड में लग रहा है। किस चीज़ का वेट है जी? हाई इंपैक्ट इवेंट यानी FOMC का, जो कि आज है, जिसका आउटकम डिसाइड करेगा कि गोल्ड ने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम FOMC की बात करें तो फोरकास्ट के मुताबिक हाईली एक्सपेक्टेड यही है कि फेड 25 BPS रेट हाई का आज करेगा, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये एक डन डील है। और मार्केट इसके साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये फेड की तरफ से लास्ट हाइक होगा इस रेट हाइक साइकिल का। तो इसलिए रेट हाइक तो इस दफ़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मार्केट के लिए जितना FOMC स्टेटमेंट और फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिससे नेक्स्ट यानी फ्यूचर रेट हाइक के बारे में हमें हिंट मिलेगा, और यही मेन चीज़ होगी जो मार्केट को वोलेटाइल करेगी और इसका हमें हाई इंपैक्ट जो है वो मार्केट पर नज़र आएगा। अगर फेड चेयरमैन हमें हाकिश नज़र आते हैं, यानी फेड चेयरमैन कहते हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी हायर साइड पर है और इकॉनमी की जो स्ट्रेंथ है उस पर वो मुतमिन नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर मज़ीद रेट हाइक का कोई हिंट वगैरह देते हैं, तो ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए नेगेटिव और डॉलर के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ऑन दी अदर साइड, अगर फेड चेयरमैन हमें डोविश नज़र आते हैं, यानी इन्फ्लेशन नंबर्स को वेलकम करते हैं और जो रिसेंटली हमें उसमें डिक्रीज नज़र आया है उस पर वो मुतमिन नज़र आते हैं, और इकॉनमी की तरफ उनके टेंशन हमें ज़्यादा नज़र आती है, और सबसे बढ़कर कि वो किसी किस्म के रेट पास का हिंट दे देते हैं, यानी मज़ीद जो है वो रेट्स को नहीं बढ़ाया जाएगा, इस तरह की कोई बात करते हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए नेगेटिव हो सकती है। इसके साथ अगर फेड चेयरमैन हमें क्लियर नज़र नहीं आते, यानी दोनों साइड को कवर करते नज़र आते हैं, बैलेंस करते नज़र आते हैं, तो फिर मार्केट भी आपको इसी किस्म का बिहेवियर दिखाएगी, यानी मिक्स टाइप आपको फिर चीज़ें नज़र आ सकती हैं। एज ए डिस्क्लेमर, याद रहे कि ये तमाम पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, इनको 100% आपने नहीं समझना। बाकी बेहतर है कि अगर आपकी कोई पोजीशन है तो फेड की मीटिंग से पहले आप उससे निकल जाएं। नो पोजीशन इज़ अ पोजीशन, ठीक है, इस मार्केट में आपकी पोजीशन ना होना भी एक किस्म की पोजीशन ही होती है। बाकी अगर आप ट्रेड करते हैं उस टाइम तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर लगाएं, यानी आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, उसके बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी, वाइल्ड मूव भी मतवक्का है। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में नो चेंज है जी हमारा, कल भी हमारी वही रेजिस्टेंस थी यानी 1968 का, आज भी सेम है, बल्कि इसको थोड़ा सा आप जोन बना लें, यानी 1968 से 70 का जोन है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर गोल्ड 73 और 79 तक जा सकता है। एक चीज़ याद रहे कि गोल्ड को अब 1979 के ऊपर डेली क्लोज देना चाहिए मज़ीद गेन हासिल करने के लिए। आज हमें पता चल जाएगा वैसे
लेकिन अगर 1979 के ऊपर ये डेली क्लोज नहीं देता तो उसमें जो है फिर वो डाउन साइड का रिस्क रहेगा। ऑन द अदर साइड आज का सपोर्ट है हमारा 1953 का, 1953 से 51 का जो जोन है ये हमारा आज का सपोर्ट जोन रहेगा। इसके नीचे गोल्ड 1945, 1940 और 1930 तक जा सकता है। याद रहे कि ये जो लेवल हैं ये FOMC तक ही फॉलोएबल हैं, उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका फिलहाल फ्लैट चल रहा है गोल्ड का। यह है जी यूरो, कल तकरीबन 10-20 तक चला गया था और फिलहाल कुछ रिकवरी दिखाकर 10-60 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। यूरो में आज हमारे लेवल चेंज हो चुके हैं, 11-10 का हो चुका है जी रेजिस्टेंस और 10-10 का हो चुका है सपोर्ट। ट्रेंड अलबत्ता अभी भी जो है वो यूरो का वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी पाउंड की जानेब, तो पाउंड अगर आप देखेंगे तो पाउंड आपको एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नज़र आएगा बनिस्बत यूरो, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये अपने पॉजिटिव जोन में भी इंटर हो चुका है। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी। आज का रेजिस्टेंस है जी पाउंड में हमारा 29.30 का और सपोर्ट रहेगा हमारा 28.40 का। ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका पॉजिटिव हो चुका है। अब हम चलते हैं जी यूजे की तरफ, 141 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें भी लेवल चेंज हो चुके हैं जी। 141.60 का रेजिस्टेंस हो चुका है यूजे में हमारा और 140.90 का सपोर्ट हो चुका है। सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है 141, यानी 10 पिप का ही फर्क है। तो 140.90 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 140.50 और 140.20 तक ये जा सकता है। फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर फ्रेश वीकनेस आपको नज़र यूजे में आ सकती है। यह है जी सिल्वर, कल अगर आप देखें तो पिन पॉइंट आप कह सकते हैं कि उसने हमारे रेजिस्टेंस के हाई बनाए हैं 24.73 का, और उसके बाद तकरीबन 24.55 तक आई है सिल्वर। तो रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है जी 24.73 का, इसमें अलबत्ता सपोर्ट में माइनर चेंज है, सपोर्ट हो चुका है 24.30 का। इसका ट्रेंड भी इंट्राडे के लिहाज से फिलहाल फ्लैट जो है वो बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानेब। या जी क्रूड ऑयल कल तकरीबन 79.80 तक चला गया था, 79.70 का हमारा रेजिस्टेंस था, तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि वर्क कर गया है लेवल हमारा। तो आज का थोड़ा सा लेवल चेंज है, आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी $80 का और सपोर्ट हो चुका है 78, यानी 78.40 का। ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है जब तक ये हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत शुक्रिया।